जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के तर्जमान हारून खान शिनवारी। उनसे बात करते हैं कि आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से क्या अपडेट है और वोट का इंदराज या इखराज या दुरुस्ती या आपने कोई एड्रेस चेंज करना है तो उस हवाले से क्या तरीक़ाकार होगा, वोटर को क्या करना होगा। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, तो क्या कहेंगे सर? देखें, ये बहुत अहम कदम है इलेक्शन कमीशन का। वो लोग जो 18 साल को पहुंच गए हैं, इसमें अपनी भरपूर शमूलियत को यकीनी बनाएं, अपने वोट का इंदराज करें। पाकिस्तान के हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, तो वो उसको खुली इख्तियार हैं। दूसरा ये है कि www.ecp.gov.pk हमारी वेबसाइट है जिस पे ये फॉर्म 21 इंदराज और कवायफ में इंदराज और मुंतकली दोनों वो फॉर्म 21 से होती है। अच्छा सर, ये इसमें क्या आखिरी तारीख कब है कि कब तक ये प्रोसेस हो सकता है और उसके बाद फिर जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं या वोट का है वो फ्रीज़ हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? 25 अक्टूबर 2023 को ये फ्रीज़ हो जाएगा। अच्छा सर, इलेक्शन की तैयारी के हवाले से जो इंतखाबी अमला है उसकी तरबियत का सिलसिला भी जारी है, तो किस हद तक मजीद तरबियत या इंतखाबी मटेरियल की ख़रीदारी, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो जैसे हमने ये तैयारियाँ शुरू की हुई हैं पिछले 1.5 साल से, इलेक्शंस की मुख्तलिफ तैयारियाँ हैं और जारी हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे इलेक्शन कमीशन के तर्जमान हारून खान शिनवारी। उनके मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियाँ इलेक्शन कमीशन ने जारी रखी हुई हैं और जो ही शेड्यूल होगा और बाकी के जो इंतज़ाम हैं वो भी फौरी तौर पर मुकम्मल होंगे, और इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी तैयारियाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं और इंतखाबी अमला है उनकी तरबियत का सिलसिला भी जारी है। जी।